बताया थे पूरे इंडिया में, यानी इंडिया के अलावा इंडिया के बाहर भी बिजनेस फैला रहा है। तो जाना बना ब्रांड है, ऑटोमोबाइल का ब्रांड है। ऑटोमोबाइल का तो बताऊ तो अगर बात करें तो इंडिया की, बरोबर, तो इंडिया में ऑटोमोबाइल आप देखो तो हर एक जो इंडियंस है उनके ब्लड में है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप देख लेना कि ऑटोमोबाइल हमारे साथ जीवन में इस तरह से जुड़ गया है कि उसको वो एक मोबाइल है और दूसरा ऑटोमोबाइल, दो चीज है वो जो रिवोल्यूशनरी इम्पैक्ट हो रहा है इंडिया में, बरोबर। एशिया का नंबर वन बेस्ट टू व्हीलर सर्विस कंपनी घोषित किया गया है, एशियन अवार्ड भी हमको मिला है, और एशियन कंट्रीज में भी हमारी प्रेजेंस धीरे धीरे बढ़ रही है। अभी जैसे अशोक जी ने बताया नेपाल में ऑलरेडी हमारे आउटलेट खुल गए, भूटान बांग्लादेश में काम चल रहा है जो अभी एक ये क्वार्टर में चला जाएगा, और श्रीलंका वगैरह में भी हम बिजनेस फैला रहे हैं। तो आज के जो वेबिनार है, आज का जो डिस्कशन है, हम पहले तो ओवर टू व्हीलर इंडस्ट्रीज के बारे में नॉलेज लेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, स्पीड फोर्स क्या करता है, आप और हम साथ में मिलकर किस तरह से काम कर सकते हैं, हाउ इट वर्क्स, किस तरह से काम होगा, मार्केट का पोटेंशियल क्या है, बरोबर, तो आपके एरिया में क्या मार्केट पोटेंशियल है, किस तरह से आगे कैसे बढ़ेंगे, और अदर सर्विसेज क्या दे रहे हैं। तो टू व्हीलर इंडस्ट्रीज की बात करें तो आज देखो तो टू व्हीलर के बिना आदमी का जीवन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बरोबर, जो हम देख रहे हैं, बरोबर, रूरल में भी आज टू व्हीलर का इम्पोर्टेंट बहुत ही बढ़ गया है। सब्सटेंशियल ग्रोथ है इंडस्ट्रीज का, ऑलमोस्ट 12% की ग्रोथ से ये इंडस्ट्रीज बढ़ रही है। लास्ट 6 साल का अगर आप डेटा काउंट करो तो 12% के इंडस्ट्री से ये ग्रोथ, ये इंडस्ट्रीज बढ़ रही है। जो लेकिन आप देखो तो गैप है, वो गैप का है पता है, सेल्स और सर्विस में बहुत बड़ा गैप है। अगर टू व्हीलर इंडस्ट्रीज की बात करें तो लार्ज गैप है सेल्स वर्सेस सर्विसेज इंडस्ट्रीज में, बरोबर। मैन्युफैक्चरर गाड़ियां बना रहा है और डीलरशिप के ऊपर गाड़ियां बिक रही है, कस्टमर गाड़ियां ले रहा है, बरोबर, लेकिन जब सर्विस का टाइम होता है तो 80% कस्टमर ऐसे होते हैं जो मैन्युफैक्चरर के पास यार वो मैन्युफैक्चरर का सर्विस नहीं लेने जाते। क्यों नहीं लेने जाते? क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पे एक तो सिटी से आउटर एरिया में वो आउटलेट होता है, दूसरा क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होते हैं कि जहाँ पे उसको टाइम टू टाइम जाना पड़ता है। हालांकि वो सर्विस अच्छी दे रहा है, ऐसा नहीं है, हम किसी का बुरा नहीं बोलेंगे, लेकिन वहां पे टाइम टू टाइम जाना, लेने जाना, छोड़ने जा रहा, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस है जो डेली जो लाइफस्टाइल है उसमें मैनेज नहीं हो रहे। मैन्युफैक्चरर के सिवा अगर आप देखो तो मेन उनका जो फोकस होता है मैन्युफैक्चरर का, तो मैन्युफैक्चरर का मेन फोकस होता है वारंटी सर्विसेज में, जो वो वारंटी दे रहा है तो वारंटी सर्विस में बहुत बड़ा फोकस है। अदर देन मैन्युफैक्चरर लोकल गैरेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विस को, हम किसी का बुरा नहीं बोलेंगे क्योंकि आप देखो तो वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वहां पे जो कस्टमर को चाहिए तो प्रोफेशनल अप्रोच जो वहां पे नई डिलीवरी हो रहा है, बरोबर। हाउसकीपिंग की बात करें तो हाउसकीपिंग पुअर हाउसकीपिंग होता है, वन मैन शो है, उसको अच्छा सर्विस देना है, अच्छा करना काम करना है, लेकिन वो अकेला आदमी है तो वो ज्यादा काम वहां पे नहीं कर सकता है। कुछ लोग ऐसे है जो कर सकते हैं लेकिन सारे लोग नहीं कर सकते, बरोबर, 90% सर आप देखा तो वो वही ट्रेंड चला रहा है सालों से। दूसरा क्या था कि ये बिजनेस ऐसा था आज तक अगर के या तो आपके पास पैसा है तो ये बिजनेस कर सकते हैं, या तो आपके पास स्किल है तो ये बिजनेस कर सकते हैं, बरोबर। तो पोटेंशियल बहुत बड़ा था लेकिन जो एंटरप्रेन्योरशिप था वो नहीं था, बरोबर। तो मार्केट पोटेंशियल की अगर बात करें तो आप देखो तो 11.25 करोड़ टू व्हीलर बिके हैं, अगर हम बात करें लास्ट 6 साल का या 5 साल का डेटा की, तो एक टू व्हीलर साल में एवरेज 4 सर्विस करवाता है, तो 40.45 करोड़ सर्विसेज अवेलेबल है, बरोबर, जो दिन ब दिन वो बढ़ती भी जा रही है। यानी आज जितने भी टू व्हीलर बिके उनकी भी सर्विस अगले दिनों में आएगी, समझे, तो वो क्योंकि आप देखो तो मैन्युफैक्चरर का जो मेन टारगेट है अगले 5 साल का वो 14 करोड़ टू व्हीलर्स की टारगेट है। तो ये इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज है और फैल रही है, जो यानी इसका जो पोटेंशियल है वो हर एक एरिया में, यानी आप कोई भी सिटी के से जुड़े हुए, कोई भी कस्बे से जुड़े हुए, कोई भी डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए, कोई भी तालुका से जुड़े, तो आपके एरिया में भी ये बिजनेस का बहुत ही बड़ा पोटेंशियल है, बरोबर। दूसरा क्या करेंगे, जिस तरह से ये टू व्हीलर इंडस्ट्रीज चल रही है उसी तरह लास्ट 6 साल से ये स्पीड फोर्स है वो अपना भी नेटवर्क बढ़ा रहा है, बरोबर। 2017 में 5 कंपनी के आउटलेट से और 3 फ्रेंचाइजी से कंपनी और 3 लोगों की टीम ने चालू किया हुआ बिजनेस, 2021 अगर खत्म हो गया है तो मैं बात करूं कि 2021 तक हमने 300 से ज्यादा फ्रेंचाइजी साइन अप और ऑपरेशन 200 से ज्यादा ऑपरेशंस में लिए हैं और 300 लोगों की टीम है, और इनडायरेक्ट डायरेक्ट की बात करो तो 1000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं।
क्योंकि हमारा एक फ्रेंचाइजी जब खुलता है तो मिनिमम 4 या 5 लोग वहां पे जुड़ते हैं। इकोनॉमिक का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो कस्टमर का एक्सपेक्टेशन भी बढ़ रहा है, बराबर। तो किस तरह से इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो हम देख रहे हैं, बराबर। आप सबने देखा है कि कस्टमर का एक लेवल का एक्सपेक्टेशन बढ़ गया है, बराबर। क्योंकि आप देखो तो आज का जो टू व्हीलर है वो टू व्हीलर डिजिटल हो गया है, तो टू व्हीलर डिजिटल हो गया है तो वहां पे लेटेस्ट वर्कशॉप चाहिए, क्योंकि आज का जो टू व्हीलर है वही बोल देता है कि मेरे को सर्विस चाहिए, यानी ब्लिंकिंग होना चालू हो जाता है। नीट एंड क्लीन सर्विस चाहिए कस्टमर को, नाइस लुकिंग पॉल्यूशन फ्री वर्कशॉप चाहिए, बराबर, एज ए कस्टमर हम आपको, क्योंकि आप देखो तो कोरोना ने सिखा दिया है गंदगी वगैरह में जाना नहीं है, बराबर। जहां पे अच्छा व्यवहार आता है और अच्छा जवाब मिलता है, कंटीजियस कंपनी इफिशियंट स्टाफ भी चाहिए, यानी आपका व्यवहार भी बहुत ही मायने करता है। टॉप एंड बाइक्स अवेलेबल है लेकिन आपको सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, बराबर। अब देखना तो बहुत सारे एरिया में, आपके एरिया में भी बहुत सारी ऐसी बाइक्स होगी वो 50, 60, 100 किलोमीटर के दूर दराज में वो सर्विस करवाने जाते होंगे, बराबर। कस्टमर का दूसरा एक्सपेक्टेशन बढ़ गया है, एज ए कस्टमर आप देखो तो हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के वो ओपन है, मोर ओपन टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अब देखो तो मैं और आप जो जुड़े हैं, बोलो यहाँ पे जितने भी लोग अवेलेबल है, जैसे अशोक जी तो जयपुर से जुड़े हुए, कोई मुंबई से जुड़ा हुआ है, कोई बिहार से जुड़ा हुआ है, कोई यूपी से जुड़ा हुआ है, कोई महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, समझ रहे, कोई साउथ से जुड़ा हुआ है, कोई ईस्ट से जुड़ा हुआ है, बराबर। तो ये जो चीज है, बराबर, ये चीज क्या है, ये है टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो आज का कस्टमर है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत ही वो ओपन है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एडोप्ट करने के लिए, बराबर। क्विक रिस्पॉन्स, जहां पे भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है वहां पे तुरंत ही कस्टमर चला जाता है। रेडी टू एक्स्ट्रा केयर, बराबर, एक्स्ट्रा केयर करने के लिए हमेशा कस्टमर रेडी होता है और एक्स्ट्रा सर्विस लेने के लिए वो पेमेंट भी करना चाहता है, बराबर, एक्स्ट्रा केयर। क्योंकि आज का टू व्हीलर की अगर हम बात करें तो टू व्हीलर आप देखो तो टू व्हीलर का जो कॉस्ट है वो 70-80 हजार रुपया 1 लाख रुपया के आसपास का कॉस्ट हो गया है। तो जो वो कॉस्ट है वो कॉस्ट आप देखो तो वहां पे उसको मेंटेन करना वगैरह बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जरूरी चीज हो गया है, बराबर। तो कस्टमर हमेशा रेडी होता है, अच्छी सर्विस मिल रही है तो 2-4-5 पैसा या ज्यादा भी देने के लिए हमेशा रेडी होता है, क्योंकि उसका जो मेंटेनेंस है वो प्रॉपरली होगा तो वो उसको लाइफ में यूज कर सकता है। ट्रांसपेरेंसी, अगर आप देखो तो ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो ट्रांसपेरेंसी का जमाना आ गया है। आज 5 मिनट में कहीं पे भी कुछ होता है तो पूरे वर्ल्ड को पता चल जाता है, बराबर। तो यानी आज का जमाना ट्रांसपेरेंसी का है, तो हम कस्टमर को यहाँ पे वो ट्रांसपेरेंसी भी डिलीवरी कर रहे हैं। और आज का कस्टमर है उसको सब कुछ चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए कि क्या किस तरह से हो सकता है और क्या हो रहा है मेरे साथ। सो देयर इज नीड फॉर स्पीड फॉर सर्विस विद डिफरेंस, नीट एंड क्लीन सर्विस करेंगे, हाईटेक टूल्स यूज करेंगे, डोर स्टेप सर्विस देंगे, ट्रांसपेरेंसी यानी कस्टमर को अवेयर करेंगे, और ये सारा काम हम सिर्फ और सिर्फ रीजनेबल चार्ज में करेंगे, क्योंकि जमाना क्या है, रीजनेबल चार्ज का जमाना है, रीजनेबल चार्ज में हम ये सारा काम करेंगे। क्योंकि टू व्हीलर का जो इंडस्ट्रीज का जो टू व्हीलर यूजर्स है, बराबर, वो यूजर्स का एक लाइफ है, वो बजटेड लाइफ होता है, तो वहां पे उसको रीजनेबल चार्ज में ही सर्विसेज चाहिए। जो मास कस्टमर है उसको ये चाहिए। इंट्रोडक्शन टू स्पीड फोर्स कंपनी है तो कंपनी के पास अलग अलग स्किल सेट है, वर्किंग एक्सपीरियंस है, सेल्स सर्विस, नेटवर्किंग, सेल्स मार्केटिंग, ब्रांडिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंस। अगर रेंजिंग की बात करें तो यहाँ पे 6 साल एक्सपीरियंस वाला बंदा भी है और आपको 38-40 इयर्स की एक्सपीरियंस बंदे भी है आपके सामने प्रेजेंटेशन है, उसमें आप देख रहे हैं कि मैं दीपेन हूँ, दूसरे मिस्टर शाह है, कपिल भाई है। तो मिस्टर शाह है जो अपना पूरा हमारा टेक्नोलॉजी वगैरह देखते हैं, टेक्निकल वगैरह। कपिल भाई है तो डेवलपमेंट वगैरह, राज जी है साउथ का सेल्स देखते हैं, रंगराजन सर है वो साउथ का सर्विस देखते हैं, जागरा सर है नॉर्थ का सर्विस देखते हैं पूरा, और पॉली सर है तो जो हमारे साथ है वो कर्नाटका का पूरा सेल्स सर्विस देखते हैं, और पॉल सर है वो ईस्ट का सर्विस देखते हैं, और नीरज भाई नॉर्थ ईस्ट का पूरा सेल्स देखते हैं। यानी ये इस तरह की पूरी टीम है कि जो टीम, बराबर, वो पूरा आपको आगे बढ़ाने में हमेशा रेडी है। बैकएंड की बात करूं तो उसके पीछे बहुत बड़ी टीम है, बराबर। ये अगर आप बात करो तो मैं बताऊं आपको कि यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग टीम है आपको सपोर्ट करने के लिए। आउटलेट चालू करने से पहले क्या क्या हेल्प चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन, लीगल, लाइसेंस, फाइनेंसिंग, एवरीथिंग, यानी आपको चाहिए। और आउटलेट चालू करने के बाद टेक्निकल्स वगैरह सब ट्रेनिंग्स वो सारी टीम आपको। और उसके बाद की बात बताऊ तो हमारी जो टीम है वो आपके एरिया का जो डेटा बेस होता है और उसके ऊपर टेलीकॉलिंग करके कस्टमर आपको आउटलेट तक पहुंचाना काम भी हमारा ही होता है।
तो ये पूरी टीम है हमारी, वी कॉल्ड इस स्पीड फोर्स फैमिली, और ये परिवार का आपको भी हम हिस्सा होने का आमंत्रित देते हैं। स्पीड फोर्स क्या है? चेन ऑफ टू व्हीलर सर्विस स्टेशन प्रोवाइडिंग ऑल काइंड ऑफ अकॉर्डिंग टू मार्केट, मार्केट का जो डिमांड है वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। पीरियोडिक सर्विस करते हैं, माइनर मेजर रिपेयर करते हैं, एक्सीडेंट रिपेयर करते हैं, बैटरी सर्विसेज करते हैं, एएमसी बेचते हैं हम, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स सर्विस करते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल सर्विस में हमको अवार्ड भी मिला है जो आगे मैं बताऊंगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगाते हैं, पिकअप एंड ड्रॉप का फैसिलिटी देते हैं, वैल्यू एडेड सर्विस देते हैं, इंश्योरेंस सारी कंपनीज के साथ इंश्योरेंस टाइप है, इंश्योरेंस हम बेचते भी नया और उसको रिन्यू भी करते हैं और उसका क्लेम वगैरह सेटलमेंट भी, हम चाहते नहीं किसी का एक्सीडेंट हो लेकिन क्लेम आता है तो वो भी सेटल करते हैं। 7-8 कंपनी ऐसी जिसके साथ हमारा कैशलेस टाइप भी है और इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है स्पीड पोस्ट जो पुराने टू व्हीलर के ऊपर वारंटी देती है और आपके यहाँ आपका जो टू व्हीलर सर्विस हो रहा है उसके ऊपर भी वारंटी प्रोवाइड कर रही है। बरोबर, लुब्रिकेंट्स हम प्रोवाइड करते हैं, स्पेयर पार्ट हम प्रोवाइड करते हैं अच्छी अच्छी कंपनियों के साथ। स्पीड फोर्स क्यों ही लेना चाहिए स्पीड फोर्स का फ्रेंचाइजी आपको? व्हाई स्पीड फोर्स? तो जैसे अशोक जी ने शुरुआत में बताया, इंडिया इज ओनली इंटरनेशनल ब्रांड, नंबर वन कंपनी है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है क्योंकि 200 से ज्यादा आउटलेट चालू हो गए हैं, लार्ज पोटेंशियल है बहुत, यानी आपका जो एरिया है उसमें भी इतना ही पोटेंशियल है जितना बॉम्बे, बेंगलोर और बड़ौदा में है। बरोबर, करंट चैनल का लिमिटेशन है और जो मैंने बताया कि डीलरशिप और लोकल मैकेनिक का और इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी डिमांड ट्रेंड मैन पावर। अगर आप बात करो तो आज तक ये जमाना क्या था पता, ये मैन पावर यानी ये मैकेनिक सेंट्रिक बिजनेस था। बरोबर, वी कॉल्ड इट अ टेक्नीशियन। बरोबर, तो ये टेक्निकल बिजनेस था लेकिन मैकेनिक सेंट्रिक था। अभी ये बिजनेस को हम पूरा ट्रेन कर रहे हैं और उसको ऑर्गेनाइज वे में लेके जा रहे हैं जहां पे हम मशीन से काम करते हैं। तो मशीन से एक छोटा सा प्लग क्लीनिंग का भी काम होता है तो मशीन से होता है, तो वहां पे जो एक्यूरेसी और वो है वो 99% ऑटोमेटिक आई जाती है। तो वो जो मैकेनिक सेंट्रिक से बिजनेस ये मशीन सेंट्रिक हो रहा है, वहां पे मैन पावर भी हम उसी तरह का ट्रेन करते हैं। मार्केट का जो नया ट्रेंड है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। कस्टमर जो रेडी है एक्स्ट्रा स्पेंड करने के लिए, एक्स्ट्रा केयर करने के लिए, तो हम भी हमेशा रेडी है एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए। बरोबर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप जनरेशन है। आप देखो तो एक आउटलेट जब बनता है, आप जैसे गवर्नमेंट हमारा मोदी साहब बोल रहे कि आप आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो ऑटोमोबाइल में हम आत्मनिर्भर बनाते हैं लोगों को। बरोबर, तो वहां पे एक आउटलेट एज एंटरप्रेन्योर जब जनरेट होता है तो उसके नीचे 5 या 4 या 6 लोग ऑलरेडी वो जॉब गिवर्स बन जाता है। यानी वो आप जॉब गिवर्स बनिए, नॉट जॉब सीकर्स। किस तरह से स्पीड फोर्स काम करता है? बरोबर, हैंड होल्डिंग एक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग अवेलेबल है आपको यहाँ पे ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। स्पीड फोर्स और आप और हम साथ में मिलके एक काम करेंगे जिसमें पूरा ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है आपका, टेक्निकल ट्रेनिंग्स होता है, मार्केटिंग सपोर्ट्स होता है। हर एक एरिया में हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से मार्केटिंग करना है, किस तरह से टेक्निकल देखना है वगैरह सब। टाइमली विजिट्स होता है, ऑडिट्स होता है, हमारी टीम आती है, फ्रेंचाइजी मीटिंग्स होते हैं, वहां पे हम आपको बुलाते हैं, फ्रेंचाइजी ट्रेनिंग, फ्रेंचाइजी प्रोग्राम करते हैं, टेक्निकल सपोर्ट्स हम यानी मशीनरीज जो लगा है उसके लिए असिस्टेंट्स है हमारे पास स्पेशल। तो मशीनरीज में आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर है, ईआरपी सिस्टम है, मोबाइल ऐप है जिसके थ्रू आपके आउटलेट के ऊपर बुकिंग्स वगैरह आते हैं, डेटाबेस आपका जो एरिया का डेटा होता है उसके ऊपर हम टेलीकॉलिंग करते हैं और डेटाबेस कॉलिंग करके आपको वहां पे प्रोवाइड करते हैं, कस्टमर का फीडबैक लेते हैं और क्रॉस लर्निंग प्रोग्राम भी हम चलाते हैं। दूसरा सपोर्ट क्या होता है? टूल्स, इक्विपमेंट्स, ब्रांडिंग, स्टेशनरीज, मार्केटिंग का किट, कैनोपीस वगैरह, लीफलेट्स वगैरह सब, और सॉफ्टवेयर डिटेल वर्कशॉप, हमारा पूरा ईआरपी सिस्टम है जहां से आप पूरा वहां पे डेटा गैदर कर सकते हैं कि कौन सी गाड़ी में कितना ऑयल बिकता है या कितनी कौन सी गाड़ी हमारे पास आई है। बरोबर, मोबाइल ऐप है तो ऐप के थ्रू भी आप बुकिंग ले सकते हैं और वहां पे भी कस्टमर को सर्विस दे सकते हैं। मार्केटिंग का दूसरा सपोर्ट है हैंडहोल्डिंग एक्टिविटी। हैंडहोल्डिंग मार्केटिंग एक्टिविटी की बात करूँ तो बीटीएल एक्टिविटी कहते हैं, बिलो द लाइन एक्टिविटी बोलते हैं उसको। जैसे आपने बहुत सारे एरिया में देखा होगा, अलग अलग एरिया में अलग अलग ब्रांड का अलग अलग एक्टिविटी होता है, तो हमारे भी टीम है जो अलग अलग एरिया में अलग अलग एक्टिविटी भी करती है। ट्रेनिंग हम देते हैं, जब अगर बात करो तो टेक्नीशियन का ट्रेनिंग होता है, एडवाइजर का ट्रेनिंग होता है और ओनर का भी ट्रेनिंग यहाँ पे होता है। तो बड़ौदा में हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, वहां पे हम आपको इन्वाइट करते हैं और वहां पे आपको 4 या 5 दिन रुकना है और आपको पूरा ट्रेनिंग लेना है। बरोबर, हमारा पूरा यहाँ पे एकोमोडेशन वगैरह सब यहाँ पे आपको दिया जाता है जो हमारी ओर से आपको मिलता है। विजिट्स होता है, ऑडिट्स होता है, आपके यहाँ हमारी टीम आती है और टाइमली विजिट्स ऑडिट्स भी होता है। छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, 7.5 लाख प्लस जीएसटी। आप देख रहे हो तो यहाँ पे आप स्लाइड में मैंने बाइफर्केशन, यानी अगर मैं बात करूँ ट्रांसपेरेंसी की, तो हमारी कंपनी यहाँ से भी ट्रांसपेरेंसी डिलीवरी कर रही है।
आपका पैसा कितना का पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है उसका एक कैलकुलेशन है। फ्रेंचाइजी फी 1 लाख रुपया है, 3.5 लाख रुपए टूल्स इक्विपमेंट मशीनरी इंस्टॉलेशन का पैसा लगता है और इंटरनल सुपर ग्राफिक्स फ्रंट फेसिया और ब्रांडिंग का भी 1 लाख रुपया हम चार्ज करते हैं जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपका होता है। स्टेशनरी सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग मॉनिटरिंग ऑडिटिंग हमारा टीम आपको आउटलेट मॉनिटर करता है एज वेल एज टाइम टू टाइम सपोर्ट करता है उसका भी 1 लाख रुपया आपका इन्वेस्टमेंट होता है। मार्केटिंग सपोर्ट होता है हमारा डेडिकेटेड आपके आउटलेट को उसका भी 1 लाख रुपया आपका इन्वेस्टमेंट होता है। वर्कशॉप का रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे 2 प्रकार के रेवेन्यू, एक डायरेक्ट इनकम है और दूसरी इनडायरेक्ट इनकम। अब देखो तो अगर मिनिमम 10 व्हीकल भी आप काउंट करें करो क्योंकि आप देखो तो छोटे से छोटा वर्कशॉप होता है लोकल गैरेज वहां पे भी 5-7 गाड़ियां सर्विस डेली की आती है और हम इतना अच्छा सा आउटलेट बनाएंगे तो और इतना मार्केटिंग करेंगे तो 4 से 6 महीने में ये 10 का एवरेज आराम से आ जाएगा। तो नंबर ऑफ टू व्हीलर अगर 10 भी गाड़ियां सर्विस में आती है तो आपको एवरेज कॉस्ट 300 रुपये अगर मैं काउंट करूँ तो 3000 का ग्रोस मार्जिन रहता है। जब 10 गाड़ियां सर्विस में आती है तो 6 से 7 गाड़ी में ऑयल चेंज होता है। ये इंडस्ट्रीज का स्टैंडर्ड है जहाँ पे 300 रुपये का एवरेज ऑयल बिकता है जो 200 रुपये के आसपास हमको गिरता है तो वहां पे भी 100 रुपीज का मार्जिन है, 500-700 रुपया वहां से भी कमा सकते हैं। स्पेयर पार्ट की बात करूँ तो बहुत सारे स्पेयर पार्ट ऐसे हैं जो फास्ट कंज्यूमेबल स्पेयर्स होते हैं जो हर एक आउटलेट में हर एक सर्विस में कुछ ना कुछ वो चेंज करना पड़ता है जैसे लाइनर से केबल से फिल्टर से इंडिकेटर से बल्ब से बहुत सारी ऐसी आइटम्स है जो आपको टाइम टू टाइम चेंज करवानी ही पड़ती है क्योंकि जित गाड़ी जितना ज्यादा चलता है वो उतना ही घिसता है तो उसको रिप्लेस करना बहुत ही जरूरी होता है। तो वहां पे भी 30% के आसपास का मार्जिन है तो अगर आप देखो तो वहां पे भी 1000-1200 का रेवेन्यू जनरेट हो जाता है शाम को। ये कुछ ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है सीम पर, जब आप देखो तो अपना गाड़ी जब सर्विस करवाया होगा आपने तो 800 से 1200 रुपये का जो खर्चा किया है उसका ही एक एवरेज कॉस्ट है जो 1000 रुपया है वो 1000 रुपये में से आप इस तरह का रेवेन्यू ग्रोस मार्जिन जनरेट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा लेबर जनरेट होता है यानी आप देखो तो आपके हमारे लिए एज ए कस्टमर 50 छोटा सा कस्टमर भी कस्टमर होता है तो एक्स्ट्रा लेबर भी वहां पे जनरेट होता है। माइनर मेजर रिपेयर्स भी करते हैं एक्सीडेंट का काम डेंडिंग बेंडिंग का काम मॉडिफिकेशन का काम इंजन का काम वहां पे, लेकिन ये गाड़ियां रोज नहीं आती। दिन में 10 गाड़ियां आ जाती है तो एवरेज 5000 का बिल बनता है तो एवरेज 2000 का रेवेन्यू जनरेट होता है तो दिन में 600-700 रुपये का वहां से भी काम होता है। टोटल मिला के 6-6500 की रेवेन्यू जनरेट होती है। उसके सामने अगर मैं महीने कुछ इनडायरेक्ट इनकम भी है वेस्ट लोग वेस्ट को हम कस्टमर को ऑफर करते हैं लेकिन वो लेके नहीं जाते बोलो तो वो इनडायरेक्ट इनकम है। दूसरा अगर मैं अगर डेली का 6000 भी काउंट करूँ तो महीने का 30 दिन क्योंकि ये बिजनेस हर दिन चलने वाला बिजनेस है यहाँ पे कोई छुट्टी होता नहीं है तो 1.5-2 लाख की रेवेन्यू जनरेट हो जाती है। अब ये रेवेन्यू के लिए आपको कुछ एक्सपेंस करने पड़ेंगे जैसे आपको जगह लेना है एक आउटलेट बनाने के लिए वो जो जगह है उसका हमारा कैपिंग है कि 30,000 से महंगी जगह नहीं होनी चाहिए। और सैलरी की बात करें तो 30-35,000 के आसपास सैलरी होता है मेन पावर का जिसमें एक स्किल मैकेनिक एक सेमी स्किल और हेल्पर भी लगता है और आप एज ए इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर आपको भी वहां पे बैठना भी है। इलेक्ट्रिसिटी मेंटेनेंस टैक्स एम्प्लॉइज इंसेंटिव वेलफेयर एक्टिविटीज बहुत सारी ऐसी करनी पड़ती है जब आउटलेट चालू करते हैं तो बिंग आउटलेट को बुलाने में और आपने जो इन्वेस्टमेंट लिया है या कहीं से लोन लिया है तो उसका ईएमआई भी आता है तो 1.5 लाख रुपए का खर्चा होता है तो 1.5-2 लाख के सामने यानी 70-80 हजार रुपया सर्विस के बिजनेस से और छोटा मोटा काम करने से और इंजन का काम करने से ये बिजनेस में कमाना बहुत ही इजी है बरबर। उसके अलावा एएमसी सेल्स से, है कूपन सेल्स से, है इंश्योरेंस सेल्स से, है वारंटी सेल्स से, है यानी ये ऐसी प्रोडक्ट्स है कि जो आपके आउटलेट में हमारी टीम और आपकी टीम दोनों मिलकर साथ में ये रेवेन्यू जनरेट करती है। ये सारी एक्स्ट्रा इनकम है जो आप वहां पे स्वीट फोर्स के आउटलेट के ऊपर कर सकते हैं। कंपैरिजन करें हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्योंकि आप बिजनेस ढूंढ रहे हैं तो आपको ऑटोमोबाइल का बिजनेस क्यों लेना चाहिए। दूसरा रिटेल एंड F&B के वर्सेस हम बात करें तो यहाँ पे एक तो इन्वेस्टमेंट लो है बरबर, लो इन्वेस्टमेंट हाई रेवेन्यू का मॉडल है। स्टॉक इन्वेंट्री रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा सप्लायर है वो आपसे नजदीक एरिया में ही वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमारा है ऑलरेडी है जिसको हम यूज कर रहे हैं। ओवरहेड एक्सपेंस बहुत सारे कम होते हैं क्योंकि आपको जगह लेना है तो वो मेन रोड पे जगह नहीं लेना है ऑफ रोड पे जगह लेना है तो वहाँ पे ओवरहेड एक्सपेंस बहुत कम होते हैं। सीजनल इफेक्ट यहाँ पे ये बिजनेस में कोई सीजन का इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि आप देखो तो यहाँ पे बारिश का मौसम आता है तो प्लग में पानी चला जाता है गाड़ियां बंद पड़ जाती है, सर्दियों के मौसम में बैटरी डाउन हो जाती है और गर्मियों के मौसम में इंजन का जो ऑयल है वो चेंज करना पड़ता है क्योंकि इंजन गर्म हो जाता है तो यहाँ पे ये सीजनल का इफेक्ट उल्टा होता है। कंज्यूमर नीड का बिजनेस है, डेली नीड का बिजनेस है। आप जैसे मैंने बताया आपकी लाइफस्टाइल ही आप चेक कर लेना, सुबह जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो पहला काम क्या करते हैं, मोबाइल लेते हैं और गाड़ी का चाबी लेते हैं और आज के जमाने में मास्क भी पहन के ही निकलते हैं।
मतलब प्रॉफिटेबिलिटी का बिजनेस है, क्योंकि अलग अलग प्रकार की 18 टाइप्स 18 प्रकार की यहाँ पे इनकम है जो हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बदले हरे करे आउटलेट के ऊपर लॉन्च करते हैं। कैसे आगे बढ़ेंगे, आप और हम साथ में मिलकर आगे बढ़ेंगे, आपके साथ ही हमको आगे बढ़ना है। हमारा टारगेट मार्केट है आपका एरिया, मेट्रो सिटीज, टू टायर सिटी, थ्री टायर सिटी, यानी आपका जो एरिया है उसका पोटेंशियल है, वो सबसे बड़ा पोटेंशियल आपका हमारा टारगेट मार्केट है। 500 फ्रेंचाइजी बनाने जा रहे हैं, ऑलरेडी 200 ओपनिंग हो गए हैं, और ये 31 दिसंबर 2022 तक हम, ये हमारा टारगेट है। पैन इंडिया एशिया स्पेसिफिक में हम हमारा बिजनेस फैलाने जा रहे हैं, जैसे शुरुआत में हमने बात किया कि इंटरनेशनल ऑलरेडी हम फैल रहे हैं। दूसरा, हमारा ऑफिशियल पार्टनर की बात करूं तो स्पेयर पार्ट मिंडा के थ्रू हम स्पेयर पार्ट सप्लाई करते हैं, लुब्रिकेंट सप्लाई करते हैं कैस्ट्रोल के थ्रू, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का पूरा नेटवर्क है हमारा वर्ल्ड के साथ। रिन्यू बाई का जो हमारा इंश्योरेंस का टाई अप है, ईआरपी सिस्टम मैट्रिक्स की ओर से देते हैं, और सीडब्ल्यूआई कॉर्पोरेट वारंटी इंडिया करके कंपनी है जो 20 साल पुरानी कंपनी है, जिनके थ्रू हम सर्विस में भी वारंटी और आपके टू व्हीलर में भी, पुराने टू व्हीलर में भी वारंटी बेचते हैं। हमारी फुटप्रिंट की बात करें तो जम्मू से लेके यानी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हर एक एरिया में हमारी फुटप्रिंट है। गुजरात में पोरबंदर में गांधी जी के जन्म स्थल के जगह में, और अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर में भी हमारा आउटलेट है। जम्मू में लाल चौक में, श्रीनगर में भी हमारा आउटलेट है, केरला में कोतातुकुलम में भी हमारा आउटलेट है। इंडिया के बाद की बाहर करें तो हम नेपाल में भी हमारा आउटलेट है, भूटान में भी, और बांग्लादेश में भी अभी ओपनिंग हो रहा है। किस तरह का आउटलेट बनेगा आपका, इसी तरह का आउटलेट बनेगा। ये फ्रंट फेसिया है तो ये पूरा हम बना के देंगे, ये इंटरनल सुपर ग्राफिक्स है वो हम करके देंगे आपको, ये इंटरनल जो मशीनरीज वगैरह है वो भी हम ही लगा के देंगे आपको, यानी आपका सपोर्ट चाहिए। रेड एंड व्हाइट जो कलर है वो, और इलेक्ट्रिक फिटिंग्स वगैरह में भी आपको सपोर्ट चाहिए, और फर्नीचर वगैरह में आपका सपोर्ट चाहिए। हर एक आउटलेट के लिए एक एक डेडिकेटेड बंदा होता है, जो सेल्स का बंदा होता है, जो आउटलेट के लिए एक एक वहां पे रिक्रूट किया जाता है। ब्रांड के साथ मिलकर हम को ब्रांडिंग प्रमोशंस वगैरह एक्टिविटी भी करते हैं, और कूपन सेल्स की भी एक्टिविटी यहाँ पे की जाती है। ब्रांड अवेयरनेस के लिए अलग अलग सीएसआर एक्टिविटी भी हम करते हैं। अलग अलग एरिया में अलग अलग ब्रांडिंग चलता है या मार्केटिंग कैंपेन चलते हैं, तो हम होल्डिंग्स भी लगाते हैं, रिक्शा के पीछे बैनर्स भी लगाते हैं, और आप देखो तो यहाँ पे भोपू लगा के भी हम यहाँ पे बिहार यूपी एमपी वगैरह में ये एडवर्टाइज कर रहे हैं। वो आपका आउटलेट का पर्टिकुलर एडवर्टाइज करता है और वहां पे आगे बढ़ता है। जब काम करते हैं तो लोग नवाजते हैं, तो बहुत सारे आर्टिकल आए हुए हैं हमारी फ्रेंचाइजी अप्लाई मैगजीन में भी, ये आर्टिकल आया हुआ है, और अभी लेटेस्ट मैगजीन आई है उसमें भी हमारा आर्टिकल आया हुआ है, तो यानी आप वो पढ़ सकते हैं। बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, गुजरात एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड, वाइब्रेंट गुजरात की ओर से अवार्ड, बेस्ट टू व्हीलर सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड मिला है हमारी कंपनी को, और टॉप प्रोमिसिंग टू व्हीलर सर्विस प्रोवाइडर ऑफ इन इंडिया का भी अवार्ड मिला है, यानी ये कंपनी ऐसी है जो आपसे वादा करती है वो निभाती है। दूसरा, गुजरात सीएम की ओर से 25 टॉप कंपनीज ऑफ गुजरात, बरो इमर्जिंग कंपनी ऑफ गुजरात का अवार्ड भी यहाँ पे मिला है, जो अभी लास्ट हाल ही में मिला हुआ है। और जैसे मैंने पहले शुरुआत में बताया कि बेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला है हमको, क्योंकि हमारे 170 से ज्यादा आउटलेट ऐसे है जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल सर्विस हो रहा है। तो ई मोबिलिटी, ईवी इंडिया, ईवी चार्जिंग फोरम 2021 विथ एसोसिएशन और नीति आयोग की ओर से, और सोसाइटी ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन और ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया और रूट स्किल की ओर से हमको ये नवाजा गया है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सर्विस के हम पायोनियर है। स्टार्टअप इंडिया यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टार्टअप इंडिया में भी हम रजिस्टर्ड है, और वहां से भी हमको रिकॉग्निशन वगैरह मिला है। स्मॉल बिजनेस 2020 का भी अवार्ड हमारे नाम पे है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और जी बिजनेस की ओर से। जैसे हम अवार्ड लेते हैं तो बहुत सारे अवार्ड देते भी है, तो फ्रेंचाइजी ट्रेन फ्रेंचाइजी प्रोग्राम हम चलाते हैं, जहाँ पे हम फ्रेंचाइजी एक फ्रेंचाइजी दूसरे फ्रेंचाइजी को हेल्प करके उसको आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि ये बिजनेस कॉम्पिटिटर लेस है। आप देखो तो हर एक एरिया में अलग अलग एरिया में अलग अलग आउटलेट है जहाँ पे हम ये बिजनेस अलग अलग कर सकते हैं। टॉप 25 कंपनीज ऑफ इंडिया अगर आप देखो तो फ्रेंचाइजी का जो कंसेप्ट है, इंडिया बेस्ट फ्रेंचाइजी 2021 का बात करें तो टॉप 25 यानी ऑटोमोबाइल फ्रेंचाइजी एक्सलेंस अवार्ड मिला है, जो हमको इंडिया इंटरनेशनल कंपनी प्रोवाइडिंग मल्टी ब्रांड टू व्हीलर सर्विस वर्कशॉप फ्रेंचाइजी स्वीट बोर्ड जो दिया गया है ये अशोक जी और पूरी फ्रेंचाइजी अप्लाई टीम, तो थैंक यू फॉर दिस अशोक जी एंड पूरी अप्लाई टीम। बहुत मेहनत के बाद उन्होंने ये बहुत बड़ा सर्वे के बाद ये अवार्ड दिया गया है।
एप्लीकेशन छोटा सा प्रोसेस है, ये फ्रेंचाइजी लेने में बहुत ज्यादा वो नहीं है। एक आपको एप्लीकेशन फॉर्म बनना है जिसमें आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट लगेंगे और 1,00,000+ जीएसटी का आपको पेमेंट करना है। उसके बाद कंपनी की ओर से आपको लेटर ऑफ इंटेंट दिया जाएगा, आपको उसके बाद जगह ढूंढना है, आपके एरिया में 2 या 3 जगह ढूंढना है जहाँ पे हमारी टीम आएगी और विजिट करेगी और उसका एक सर्वे रिपोर्ट बनेगा। उसके बाद आपका वहाँ पे वो होता है, आपको गाइड किया जाता है, तो बेसिक साइट वर्क होता है जो आपकी ओर से होता है, वेंडर पेमेंट्स होता है और फाइनल पेमेंट्स होता है, उसके बाद मटेरियल प्रोविजन और उसमें भी लोकल सपोर्ट आपका भी लगता है। क्योंकि ये मैंने जैसे बताया हम को वर्किंग काम करेंगे, साथ में मिलकर काम करेंगे, तो मैन पावर का रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग्स वगैरह होता है। आपका ट्रेनिंग बरोड़ा में हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे आपको 4 या 5 दिन आना है, रुकना है और यहाँ पे पूरा ट्रेनिंग लेना है। तो पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स फोटोग्राफ्स वगैरह लिए जाते हैं और लेटर अपॉइंटमेंट भी दिया जाता है और उसके बाद आपका आउटलेट हम ओपनिंग करते हैं। ओपनिंग के दिन मीडिया वगैरह सब वो भी हम पूरा धमाल करते हैं। तो थैंक यू फ्रॉम माई साइड। अभी एक छोटा सा वीडियो देख लेंगे, उसके बाद जो भी आपकी क्वेरीज थे वो सारी हम सॉल्व कर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्पीड फोर्स भारत की नंबर 1 अति आधुनिक पद्धति से काम करने वाली मल्टी ब्रांड टू व्हीलर कंपनी है। गुजरात बेस्ड ये कंपनी स्पीड फोर्स तेजी से अपनी फ्रेंचाइजीज पूरे भारत में बढ़ाती जा रही है। योग्य और प्रशिक्षित टेक्नीशियन से लैस ये कंपनी अपने हर टेक्नीशियंस को समय समय पर अति आधुनिक पद्धति और उपकरणों का इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग देती है। आप हमारे सर्विस ऐप से आसानी से सर्विस अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपना मूल्यवान समय भी बचा सकते हैं। सर्विस के दौरान 21 चेक पॉइंट्स का ध्यान रखा जाता है। हर गाड़ी अच्छी तरीके से सर्विसिंग के दौरान 3 बार सैनिटाइज की जाती है और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाता है। वर्कशॉप से 3 किलोमीटर के व्यास में सर्विस के लिए फ्री पिकअप ड्रॉप सुविधा उपलब्ध है। पेट्रोल समाप्त होने की स्थिति में भी पेट्रोल पहुंचाया जाता है। हमारी कंपनी में फोम वॉश की अति आधुनिक सुविधा उपलब्ध है जिससे आपकी गाड़ी की आयु बढ़ती है, उसको जंग लगने से बचता है। गाड़ी रास्ते में खराब होने की स्थिति में आप हमारे रोड साइड असिस्टेंट ऐप का उपयोग कर सकते हैं। ये सुविधा हमारी वर्कशॉप से 25 किलोमीटर के व्यास में दी जाती है। स्पीड फोर्स कंपनी की सभी शाखाओं में सभी फ्रेंचाइजीज में जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। हमारी कंपनी का कैस्ट्रॉल के सामने टाइप है। सभी वर्कशॉप हाईटेक है जहाँ सभी आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है।